सनातन को बचाने के लिए यही बोलने की आवश्यकता, तुम्हारे भी जागने की आवश्यकता है, वरना तुम्हारे सनातन की यात्राओं पर मंदिरों पर आजकल पत्थर ही फेंके गए। आजकल तुम्हारी रामायण को जलाया गया, राम को काल्पनिक, राम को सिर्फ झूठा बतलाया गया और भारत के संतों को पाखंडी बतलाया गया और केवल भारत के सनातनीय संतों को एक्सपोज किया गया। पहली सर आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। दूसरे साल महीने में एक बार की पेशी करना प्रारंभ कर दे। तीसरे साल सदा सदा के लिए तुम आगे सुब्रमण्य जी के हो जाओ, पीछे मुड़कर नहीं देखना। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। बागेश्वर बालाजी स्वयं हनुमान जी हमारा मानना है, ये इसीलिए प्रकट हुए ताकि पूरी दुनिया में जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते थे कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, उनकी ठठरी बारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार है। जो कहते थे भगवान नहीं होते मेरे पागलो, हम तुमसे कह सकते कि तुम्हें गर्व के साथ कहना चाहिए, गर्व के साथ सीना ठोक करके कहना चाहिए, यस आज भी भगवान है और आज भी दिव्य शक्तियां होती है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम है। बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें, देशी ताकतें, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े कैमरा भूल खोलने के लिए अपने खुद खुलवा करके मेरे पागल हम ये भी कह सकते हैं जब तक चरणों के प्रताप से पूरी दुनिया को ललकार के लिए कह सकते हैं कि तुम्हारी क्षमता
क्षमता नहीं है कि तुम हनुमान जी की शक्तियों को एक्सपोज करो। अगर तुम आओगे तो प्यारे गीले होकर के ही जाओगे। हम तुम्हारे इतने कांड बताएंगे तुम कांड करने लायक नहीं बचोगे। मेरे पागलो, ये अभिमान में नहीं, ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई धर्म गुरु है, ना हम कोई महात्मा है। हम तुम्हारे जैसे साधारण इंसान है और हम सिर्फ और सिर्फ मानव होकर के मानव सेवा कर रहे हैं। जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक मानव होकर मानव सेवा करते रहेंगे। बस तुम्हारी जिम्मेदारी है आज से ही जग जाओ और कौन कौन सदा सदा के लिए बालाजी का हो गया। चलो हमारे भी वचन है, अब तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे बागेश्वर बालाजी की है। तुम नियम करना शुरू कर दो, लहसुन प्याज मांस मंगना बंद कर दो, महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो, हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा दान मत देना। दरबार निःशुल्क था है और जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और अद्भुत बात तो यह है, भारत का पहला दरबार जहाँ अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क और दान पेटियों में आने वाले धन से हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता। अब क्या तुम भगवान के प्राण लेकर के ही मानोगे? अब तुम मानोगे कैसे यार? जाग जाओ। और हम तुमसे ये भी कहते हैं, बातें तो बनती रहेंगी, बातें बनती रहेंगी, बातें इसलिए भी बनेंगी क्योंकि जो सामना नहीं कर सकते, जो झेल नहीं सकते हमको, बेचारे करें भी क्या, उनकी तो मजबूरी है क्योंकि पेट में दर्द है, पेट खराब है उनका। मेरे पागलों, बातों में मत पड़ना, पढ़ना ही है तो हनुमान जी के चक्कर में पड़ना। खैर तुम अपने मतलब के लिए आए हो, पर्चा बनवा आगे तो कोई बात नहीं है, पर्चा तो बन करके ही रहे। एक और वचन देते कि हम तुम्हें एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे, तो कल मिलेंगे। अब हमारा भी बुढ़ापा ही आ गया, क्या करें। सुबह 5 बजे ही तो आए सागर से कथा करके, 4 घंटा सोए, शरीर बोला चल भाई उठ, वही फिर किया, जल्दी जल्दी उठे, वही ध्यान व्यान, वही पूजा पाठ, झूठी मूठी, थोड़ा सा अनारदाना खाया, चले आए। अब देखते हैं कब तक टिके रहते हैं। बुढ़ापे का शरीर है तो आंखें भी कहने लगी गुरु सो जा, पेट भी थोड़ी देर में मिस कॉल मारता है, रसगुल्ला ला। लेकिन फिर भी कोशिश है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल ले तो कम से कम उनको जिंदगी में जीने का एक उजाला प्राप्त हो जाए। लेकिन इतना कह देते हैं कि तुम्हारा मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम जहां हो उसको सबकी खबर है। जिस आई पाई के माध्यम से हम बताते हैं उसमें तुम्हारा भी तो है, और तुम दरबार प्रांगण में बैठ गए तो तुम्हारी तो खबर उसे है ही है। तुम बालाजी के हो गए तो तुम्हारे बारे में तो उसे पता ही है कि तुम किस खेत की मूली हो, और तुम कितने परेशान हो, कितने धक्के खाकर आए हो, अब वो हमसे बेहतर उपाय करता है। और तुम्हें ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, हम कभी भी इस बात की प्रार्थना अपनी चूरन चटनी जो गुरु कृपा है शक्तियां है उनसे कभी इस बात की प्रार्थना नहीं करते कि किसी के बाप का नाम या लुगाई का नाम पता चल जाए। हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि जितने दरबार में आए हैं वो खाली रह जाए। बालाजी की ऐसी कृपा है कि आज तक, हाँ जिसने नियम ना किया वो 6 दिन पगुआ पिए लाल की, पगुआ लगाए 6 दिन, और शनिवार को आ जाए मंदिर में कहे जय हनुमान ज्ञान नगर नहीं होते के भगवान घर के अंकल है, तुम 6 दिन पगुआ पी रहे, 7वें दिन जय हनुमान कर, कुछ कुछ पाने के लिए कुछ खाना तो, और बागेश्वर धाम पर तो यही है, तुम्हें बालाजी का होना। बोलो जय श्री राम, हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। खैर तुम्हें हमारी बातें बुरी लगी होगी कि गुरु जी बहुत खतरनाक बोलते हैं, लगी है तो हमें तुम्हारे घर पर थाली पर से थोड़ी जाए। ये बात हम इसलिए बोलते हैं कि तुमसे कोई बोल नहीं सकता, सब बोलेंगे अपने मतलब की, तुम आप हम यही बोलेंगे